आई एम शेयरिंग न्यू रेसिपी, सो कम विद मी। कुछ मीठा हो जाए, साथ में हेल्दी हो। देखिए मीठे ये मैंने तिल से और गुड़ से बनाए हैं, कितने क्रंची हैं। साथ में मैंने खट्टा मीठा मखाना बनाया है, बाज़ार की नमकीन खाने से अच्छा है हम ये मखाने इस तरह से फ्लेवर वाले बनाएं। और इनको हम एयरटाइट कंटेनर में रख के इस तरह से, ये देखिए तीखा मखाना है, तो इनको ये इतने हेल्दी होते हैं। अगर सुबह हम 4 मखाने केवल खाते हैं तो कैल्शियम से, वेट लॉस, ये सब चीज़ों में बहुत हेल्प करते हैं। और हमारी डायबिटीज़ है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो चलिए रेसिपी बताती हूँ मैं। ये देखिए मैंने 2 कप करीब मखाने ले लिए, करीब 50 ग्राम्स होंगे। इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, देखिए इस तरह से ये दबा है, दब रहा आराम से, तो इसका मतलब अच्छे से रोस्ट नहीं हुआ है। इसको हम धीमी आंच पे धीरे धीरे रोस्ट करेंगे। ये देखिए क्रंचियों के टूट के बिखर रहा है, इसका मतलब ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो गया है। गैस ऑफ कर देते हैं और ये बाउल में एक ट्रांसफ़र कर देते हैं। गुड़ तिल से क्रंची मखाने बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो लो मीडियम फ्लेम पे मैंने 1 टीस्पून घी डाल दिया है। इसमें हम 50 ग्राम गुड़ डाल देंगे, छोटे टुकड़ों में कर लिए जिससे आसानी से मेल्ट हो जाए। इसको धीरे से इस तरह चलाते रहेंगे। अब ये देखिए काफ़ी मेल्ट होने लगा, स्विच ऑफ कर दीजिए गैस की। और इसको देखिए एकदम मेल्टिंग फॉर्म पे हो गया। अब इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून सेसमे सीड्स डाल दिए, ये ऑप्शनल है। और तुरंत ही इसमें मखाने डाल के लगातार चलाइए। तो इस तरह से लगातार चलाने से देखिए आसानी से कोट हो गया है। इसको लगातार चलाते रहिए। इसको आप व्रत में भी खा सकते हो फलाहारी की जगह पे, कभी आपको रात में खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन हो तो भी खा सकते हो। देखिए लगातार हम चलाते जा रहे हैं, कुछ ही देर में देखिए एकदम ड्राई हो गए, एक एक मखाना अलग हो गया है। इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। आपको मखाने के फ़ायदे पता है, कितने रिच इन प्रोटीन होते हैं, बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्प है। तो मज़ेदार गुड़ तिल मखाना तैयार है। अब आगे हम और फ्लेवर्ड मखाने के लिए इसी तरह से मखाने मैंने और ले लिए, इसको अच्छे से क्रंच चेक कर लिया और ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं आपको खट्टा मीठा मखाना बना के दिखाऊंगी। तो इसके लिए भी मीडियम फ्लेम पे मैंने पैन रख दिया, 2 टीस्पून मैंने घी डाला है और इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया क्योंकि हम खट्टा मीठा बना रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डाला है। स्पैचुला से इसको क्रश कर दीजिए और जैसे ही गुड़ हमारा मेल्ट होने लगे गैस ऑफ कर दीजिए। इसमें सब मसाले डाल दीजिए, यानी 1/2 टीस्पून मैंने देगी मिर्च डाली, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। इसको अच्छे से मिला देते हैं। इनको मसालों को गैस इसलिए ऑफ करनी चाहिए, अगर ये मसाले जल गए तो बिल्कुल भी अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। अब इसी में मखाने डाल के इनका मसाला कोट कर दीजिए, लगातार चलाते रहिए। देखिए मिनटों में ही खट्टा मीठा मखाने तैयार हो गए हैं। बाज़ार की नमकीन हम खाते हैं तो इतने हेल्दी नहीं होते हैं। इसमें 1 टीस्पून मैंने पुदीने का पाउडर पीस के रखा हुआ है वो डाल दिया, तो पुदीना का खट्टा मीठा नमकीन बनके तैयार हो गया। एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए और जब बच्चे कहें भूख 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 तो उनको ज़रूर ये दीजिए। अब चलते हैं दूसरा मखाना बनाने के लिए। तीखा मखाना बनाने के लिए 1 टीस्पून मैंने घी लिया है, इसमें चुटकी भर हल्दी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया। और इसमें हम थोड़ा सा करी लीव्स मैंने लिए, उसको सुखा के रख लिया था, तो 1/2 टीस्पून करी पाउडर भी डाल दिया। इसको मिला लेते हैं, गैस ऑफ कर देते हैं। गैस क्योंकि अब मखाने हमारे ऑलरेडी रोस्टेड हैं तो उनको हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल मसाना गर्म होना चाहिए कढ़ाई आपकी। और इसको अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से एकदम हर चीज़ में कोटेड हो गया। अगर आप गैस ऑन रखोगे तो ये मसाले जल जाएंगे, फ्लेवर नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो देखिए कितनी जल्दी से हमारा तीखा मखाना भी तैयार हो गया है। दिन की छोटी मोटी भूख के लिए अगर 1 कप हम खाते हैं मखाने तो उसमें 5 ग्राम प्रोटीन होता है। तो मखाने बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा भून के रखिए। सॉल्टेड मखाना बनाने के लिए मैंने स्टील का बर्तन ले लिया, इसमें 1/2 कप या 1 कप सॉल्ट डाल दीजिए। मीडियम फ्लेम पर रखा है मैंने और इसमें देखिए हीट अब लगने लग गई, इसका मतलब सॉल्ट गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देंगे 2 कप मखाने। जब भी हम डाइट पे होते हैं, कभी हल्की फुल्की भूख लगती है तो 1 कप इसको खा सकते हैं क्योंकि ये टमी फिलर होता है। मिनटों में ही देखिए ये भी मखाने भून के तैयार हो गए हैं क्योंकि सॉल्ट से जल्दी भूनता है मखाना। इसमें कोई हमने घी का यूज़ नहीं किया है। क्रिस्प हो जाने के बाद इसका नमक छान लीजिए और इसको एयरटाइट कंटेनर में रख के इंजॉय कीजिए। आपको कैसे लगे ये फ्लेवरफुल मखाने अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए।